अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज का मेकअप लुक है बहुत ही ज़बरदस्त ब्रॉन्ज ग्लॉसी मेकअप लुक, जो आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं और बहुत कम प्रोडक्ट्स के साथ। सो आप देखिएगा वीडियो को एंड तक, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैंने लैशेज भी अप्लाई की हैं। अच्छा जी, ये मेकअप लुक जो है ये समर में बहुत अच्छा लगता है, सन किस्ड और ब्रॉन्ज मेकअप लुक समर में जो है हर किसी का पसंदीदा होता है, गो टू होता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई शिमर शेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, देखते रहिएगा मेरा चैनल, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और मज़ीद क्या वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो चलें फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले स्किन को प्रेप कर लेंगे। मैं यहाँ पर डॉक्टर रैशल का विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ, इसको अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट होने देंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिप बाम लगाऊंगी ताकि मेरे लिप्स भी अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएं। नेक्स्ट स्टेप प्राइमर का होगा, जो बेसिक स्किन रूटीन होता है वो हम फॉलो करेंगे। और यहाँ पर मैं बीबी क्रीम यूज़ करूँगी जो एमिली की है, बहुत थोड़ी सी लेंगे हम क्योंकि हमें ज़्यादा कवरेज या ज़्यादा मैट लुक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अच्छा, इसी फाउंडेशन को मैं एज़ अ कंसीलर भी अप्लाई करूँगी, मैंने अलग से कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया था, सेम यही फाउंडेशन मैं एज़ अ कंसीलर लगा रही हूँ यहाँ पे। उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद फेस को सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ, बहुत लाइट सा सेट करूँगी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई बेकिंग वगैरह नहीं होगी इसमें, लेकिन फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, इसके बाद मुझे पता नहीं चला मेरा कैमरा स्टॉप हो गया था, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। मैंने यहाँ पर सिर्फ अपने फेस को ब्रॉन्ज किया है बहुत अच्छे तरीके से, और आईज़ पे भी मैंने सेम क्रिस्टीन का कॉन्ट्रोल किट से क्रीज़ को डिफ़ाइन किया है, यही जो मैं आपके सामने लगा रही हूँ। और मैंने काजल अप्लाई किया था वाटर लाइन पे और लैश लाइन पे, ठीक है जी, ताकि मैं आगे जब लैशेस लगाऊँ तो वो लैश बैंड कवर हो जाए। आप देख सकते हैं मैं क्रीज़ को इस तरह से डीपन कर रही हूँ ताकि एक ब्रॉन्ज और हमें वार्म सा लुक मिल जाए। ठीक है जी, मैंने काजल लगाया था उसको हल्का सा मैंने स्मज कर लिया है। यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपर लैशेस में और लोअर लैशेस में। ठीक है जी, यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा, मैं आई लैशेस लगा लूँगी, और ये ग्लू का मुझे नाम याद नहीं है, मैं आपको फिर बता दूँगी दोबारा, थोड़ी सी वीडियो की जो वो है वो आगे पीछे हो गया है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, हाइलाइटर तो मस्ट है, इसमें कोई हमने ब्लश वगैरह अप्लाई नहीं की। अच्छा जी, तो फिर फेस को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेंगे, जो यूजुअल एरियाज़ होते हैं, हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं फेस के, वहाँ पर हमने हाईलाइटर अप्लाई कर लिया है। देखूँगी मैं, अगर मुझे कहीं ब्राउज़र वगैरह कम लगेगा तो मैं उसको टचअप कर लूँगी। और जी फाइनल लुक है ये, इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपने फेस को ब्रॉन्ज करना है, आईलेट्स को ब्रॉन्ज करना है, लिपस्टिक आप कोई वार्म शेड में लगा लें, आईलैशेस आपकी मर्ज़ी है आप लगाएं या ना लगाएं, पर मैंने इस लुक में लगा ली थी। और ये बस ये मेरा फाइनल लुक है, आप देखेंगे कि मैं एंड तक ब्लेंडिंग ही कर रही होंगी क्योंकि मुझे वार्म चाहिए थी अपने फेस में, इसलिए मैंने कोई ज़्यादा बेकिंग वगैरह नहीं की थी, और फेस को जितना हो सका वो ब्राउन्स की तरफ ही रखा है। तो जी ये लुक कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच। सो गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आएगा। और इस वीडियो में आपको कहीं कहीं जो है लाइट की फ्लक्चुएशन नज़र आएगी क्योंकि मैं रिंग लाइट को टेस्ट कर रही थी, सो मुझे भी थोड़ा समझने में टाइम लग रहा था, सो प्लीज़ डोंट माइंड। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। मैं इसका जो आउट्रो है वो शूट करना भूल गई थी, सो अभी मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया था, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, और शोर को इग्नोर करें, बाहर काम हो रहा है। सो आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग फर्दर और क्या देखना चाह रहे हैं, और मुझे डिफरेंट आइडियाज़ भी चाहिए आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।